इलाका है क्योंकि बुलेट एन नया हम छोड़ने वाले सबसे पहले रुक करते हैं नौशहरा वादी स्कूल का। यहाँ बीती न्यूज के नुमाइंदा आदिल अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील नौशहरा वादी स्कूल अगा के गाँव में अलामा अहमद सईद की बीवी और बच्चों के बाद को इरादे तहसील पेश करने के सिलसिले में एक तकरीर मनाकद की गई, जिसमें कसीर अरकान ने शिरकत की। तकरीर से खिताब करते हुए मलिक शबीर अहमद ने कहा कि अलामा अहमद सईद अपने असल के वली थे, उन्होंने पूरी जिंदगी सुफियों के खिलाफ इल्मे बगावत बुलंद किए रखा और पूरी दुनिया में तौहीद सुन्नत का प्रचार किया। तकरीर से कबल अरबी में मंजूर तदवीर खुतबा पढ़ना आपका खुलासा था। आपने मुस्तकिल अदालत के बाद 2 मई 2011 को वफात पाई। आपकी दीनी खिदमत और कुरान पढ़ने को हमेशा याद रखा जाएगा। खिताब करते हुए चीफ एग्जीक्यूटिव मलिक शबीर अहमद आवान ने डोनर तंजीम और जफाई कामों के बारे में शुका को आगाह किया। मियां तनवीर अल हसन ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद मेहमानों का इस्तकबाल इलाका की सकाफत दवाई की पगड़ियाँ पहनाएगी। रुक करते हैं नवाई इलाका कमीर की तरफ, जहाँ रिटी न्यूज की नुमाइंदा आत्मा नौरी की रिपोर्ट के मुताबिक पाक फलक के कमीर रोड पर मौजूद खस्ता हाल पुल किसी बड़े सानिया का मंतजर। पुल की साइड दीवारें पूरी तरह से टूट चुकी हैं। किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा रोनुमा हो सकता है। कमीर सिटी में तकरीबन 100 से ज्यादा स्कूल मौजूद हैं और कसीर तादाद में रिक्शा मोटरसाइकिल पर सवार पूरा स्कूल से गुजरते हैं। आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है। आने जाने वाले मुसाफिरों को बहुत ही मुश्किल का सामना। पहले इलाके की हुकूमत वक्त और मकानी इंतजामिया से अपील है कि इस पुल को ठीक किया जाए ताकि कोई बड़ा हादसा सामने न आए। एक और रिपोर्ट के मुताबिक हंकियार जर्नलिस्ट के अमर अबाद और असमत ओरी ने हंकियार टीम के एजाज में जहराना दिया। चेयरमैन हंकियार जर्नलिस्ट इतिहाद सिटी प्रेस क्लब मोहम्मद तला सुल्तान चौधरी मोहम्मद उस्मान जर्नलिस्ट सेक्रेटरी नवीन सरवर समेत पूरी टीम ने उमर अबाद को हंकियार मीडिया टीम में शमूलियत पर वेलकम किया। इस मौके पर सियासी और सहाफ़ी अमूर पर गुफ्तगू हुई और आखिर पर नए शामिल होने वाले मेंबर उमर अबाद और अकमर ने तमाम मीडिया टीम का दहराना में शिरकत और ग्रुप में शामिल करने पर शुक्रिया अदा किया और मुल्की सलामती के लिए दुआ शायद की। कश्मीर से इश्फाक अहमद भंगवा की रिपोर्ट के मुताबिक दरियाए सिंध में गुडू बहराज के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड। कंट्रोल रूम के मुताबिक गुडू बहराज में पानी की आवाज 65,260 पानी का एहसास 64,448 फीट तक रिकॉर्ड किया गया। इंतजामिया के मुताबिक गुडू बहराज में 24 घंटों के दौरान 10,000 क्यूसिक पानी की सतह में इजाफा हुआ है। इलाका वकीलों का कहना था कि उम्मीद है आने वाले चंद दिनों में गुडू बहराज में पानी की सतह बेहतर हो जाएगी। मुलाकात की तफ्तीशी अफसरान को बर वक्त और मेरिट पर नियुक्त करने के अहकाम जारी किए। दौरान मीटिंग डीपीओ मोहम्मद अली वसीम ने SHO और तफ्तीशी अफसरान को सख्ती से हदायत दी कि जितने भी मुकदमा दौरे दफा 302 और 324 के दौरे तफ्तीश है उनको इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए मेरे मुकदमा को सुनकर मुकदमा को मेरे पर व्यक्ति करें। तहसील खानपुर से बिरोजी मोहम्मद अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक खानपुर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में 5 रोजा पोलियो मुहिम का अफ्ताह कर दिया। डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नजीब आलम ने 5 साल से कम उम्र बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का अफ्ताह किया। मुहिम के दौरान 2 लाख से ज्यादा टारगेट बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। वालदैन अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं। अब रुक करते हैं फैसलाबाद का, जहां हमारे नुमाइंदा इंदाब कपिल की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद की तहसील
कादियान वाला पीसी 103 की नवाई गांव चक नंबर 450 ग्रामदेव माले के झोंके गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल से दुर्गा टोलिया के नहरों न पीने का साफ पानी और गर्मी से दुर्गा का बुरा हाल हो जाता है। पेटिस्ता में एक तालाब है जिसके गंदे पानी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं। पूरी ताजा और स्कूल इंतजामिया तक परेशान आबाद इकदार से नोटिस लेने का मुतालबा। बलोचिस्तान के इलाका हरान के डीसी न्यूज के नुमाइंदा सिदा नीति की रिपोर्ट के मुताबिक हरान जिला में इंतजाम पोलियो मुहिम का इफ्तिताह तकरीब का इनेकाद हुआ जिसके मेहमान खास असिस्टेंट कमिश्नर हरान इम्तियाज महफूज थे। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हरान डॉक्टर अनवर डॉक्टर जवेद अहमद पोलियो ऑफिसर WHO डॉक्टर मुनीर अहमद बलोच समेत जिले अफसरान और महकमा सेहत के जूनियर कौंसलर जिम्मेदारान शरीक रहे। असिस्टेंट कमिश्नर हरान इम्तियाज महफूज ने कहा इंतजाम पोलियो मुहिम में माशरे के हर फर्द को अपना किरदार अदा करना चाहिए ताकि सब मिलकर अपने बच्चों का मुस्तकबिल मादूरी से बचा सके। नाज़रीन लगाई खबरें आपने जानी मजीद किसी भी तफसीलात के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट editingnews.com.pk।